दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत। जैसा कंटिन्यू आपको फोटोशॉप के बारे में बता रहा था, उसी में नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। मैग्नेटिक टूल लासो टूल नाम से आपको पता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्या होता है, जो किसी चीज़ को आपस में ऑटोमेटिक क्या चिपक जाता है। तो ये सिलेक्शन टूल जो है, ये क्या मैग्नेटिक लासो एक सिलेक्शन टूल, ये क्या है ऑटोमेटिक किसी भी एज को क्या है चिपक के सिलेक्शन कर ले, जिसमें आपको मेहनत बस था और किसी चीज़ को मान लो जल्दीबाजी में आपको सिलेक्शन करना हो, ये टूल बेस्ट है, जिससे आपको क्या है ऑटोमेटिक सिलेक्शन जल्दीबाजी में हो जाता है। कैसे होता है चलिए बताता हूँ। तो यहाँ मैंने एक इमेज ले रखी है, जैसे हाँ टेबल के ऊपर एक कप रखी हुई है, इसको अगर मुझे सिलेक्शन करना हो, जैसे मैंने इससे पहले आपको टूल मैंने क्या बताया था, एक लैसो टूल एक पॉलीगन लैसो टूल, उससे क्या थोड़ा टाइम लगता है, उसको बेस्ट कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट जो आपका मैग्नेटिक लैसो टूल है आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको जिसका भी शॉर्टकट एल होता है, ठीक है, इस पर क्लिक किया और इसको मान लो हमें निकालना है। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं जूम कर लेते हैं कप को, क्योंकि किसी भी सिलेक्शन को अच्छी सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है जूम करना होता है, जैसे आपको मैंने पहले ही बता रखा है। और उसके बाद क्या है आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ऐड, ये जो पहला देख रहे हैं न्यू सिलेक्शन, इस पर आप क्लिक कर दें और जहाँ से आपको सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, जहाँ से भी आप करें वहाँ पे एक बार आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, गौर से देखिए जहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट करें वहाँ पे क्लिक करें और माउस को बस आप खिसकाते रहें एज में चिपका के, आपको क्लिक व्लिक कुछ नहीं करना है, बस आपको माउस को खिसकाते रहना उसके एज में, वो क्या है माउस ऑटोमेटिक इसमें चिपकते जाएगा। बस कोशिश कीजिए थोड़ा जूम करके चिपकाते रहिए, तो क्या बेस्ट सिलेक्शन आपको देगा। जैसे मैंने देखिए अभी क्या माउस को इधर उधर घुमा दिया तो माउस क्या है इधर उधर सिलेक्शन हो गई। चलो इसको हमें क्या अगर बैक जाना है तो आप क्या करेंगे बैक स्पेस दबा दें, जितनी बार बैक स्पेस दें आपका सिलेक्शन क्या पीछे तरफ जाते रहेगा और माउस को आप खिसकाते रहें आराम आराम से माउस को खिसकाते रहें। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी आपको मान लो अच्छी सिलेक्शन चाहिए तो आपको माउस पर क्या है कंट्रोल होना चाहिए, तो आपको जब भी गलती से लगे इधर उधर क्लिक हो गया है सिलेक्शन भाग गया है आप क्या है थोड़ा सा बैक स्पेस दबा ले, आपका क्या सिलेक्शन पीछे की तरफ चला जाएगा। बस आप ध्यान रखें आपको क्लिक कहीं भी नहीं करना है, ठीक है, और जब भी लग रहा थोड़ा इधर उधर हो रहा है आप एक दो बार क्या करें बैक स्पेस को दबा ले, आपका सिलेक्शन क्या है उधर होते जाएगा। अभी देखिए बस माउस को मैं खिसका रहा हूँ, क्लिक कहीं नहीं कर रहा हूँ, बस एज पे चिपका के मैं माउस को खिसकाते जा रहा हूँ। और जल्दीबाजी कभी नहीं मचाएं, जल्दीबाजी मचाएंगे तो आपका इधर उधर सिलेक्शन भागेगा, तो आप बस माउस को खिसकाते रहें एज में चिपका के, ये क्या ऑटोमेटिक चुंबक की तरह आपकी ये सिलेक्शन चिपकते रहेगी। ये देखिए मैं बस माउस को खिसका रहा हूँ और क्या ऑटोमेटिक एज में ये आपकी सिलेक्शन क्या चिपकते जा रही है। देखिए इस तरह से आपकी सिलेक्शन जो यहाँ पे चिपकते जा रही है, ये मैं कुछ नहीं कहीं कुछ क्लिक नहीं कर रहा, बस माउस को खिसका रहा हूँ। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख जाए। देखिए बस माउस को मैं जैसे जैसे आपकी एज मुड़ रही है मैं माउस को भी उसी एज में आपको एंगल में घुमाते जा रहा हूँ और कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। देखिए ऑटोमेटिक आपकी सिलेक्शन क्या है मैग्नेट की तरह चुंबक की तरह चिपकते जा रही है, ये देखिए। और जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुड़ने के चांस है तो एक बार वहाँ पे आप क्लिक कर दें तो वहाँ से क्या है सिलेक्शन वहाँ से क्या अलग हो जाएगी, फिर वहाँ से आपका दोबारा से न्यू एज स्टार्ट हो जाता है, आपकी सिलेक्शन ब्रेक नहीं होगी, बस वहाँ से एक नया एंगल स्टार्ट हो जाता है उसका, वो तो उससे क्या सिलेक्शन आपकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, परफेक्टनेस आ जाएगी। बस आप क्या सिलेक्शन को घुमाते रहें बस ऑटोमेटिक देख आपकी सिलेक्शन क्या उस एज में चिपक के बेस्ट सिलेक्शन आपकी आते रहेगी। और मान लो आपका सिलेक्शन इधर उधर भाग भी गया, गलत आपने देखा नहीं बैक स्पेस नहीं दबाया, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आगे बताऊंगा, पहले एक बार सेलेक्ट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बस माउस को मैं खिसकाते जा रहा हूँ एज में चिपका के, आपकी देखिए सिलेक्शन यहाँ पे आते जा रही है। ये देखिए बस मैं क्या कर रहा हूँ माउस को खिसकाते जाए, यहाँ पर देखिए आपकी थोड़ी एक्शन सिलेक्शन बाहर चलेगी, देखो एक दो बार आप क्या करें बैक स्पेस को दबा लें सिलेक्शन आपकी पीछे चले जाएगी। ये जो बैक स्पेस वाली चीज़ आपकी सारी सिलेक्शन में काम आ गई, जैसे मैंने लैसो टूल बताया था पॉलीगॉन लैसो टूल बताया था, सबका फंक्शन उसी तरह से काम करे जैसे मैंने बताया है आपको, एड सिलेक्शन सबट्रैक्ट सिलेक्शन ये सब में आपका शॉर्टकट वही है, बस काम करने का तरीका अलग अलग है। आपको बस जल्दीबाजी में चाहिए तो आप नॉर्मल लैसो टूल भी यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक लैसो टूल भी यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप पॉलीगॉन लैसो टूल यूज़ कर लें। इसके अलावा भी आपके कई सारे सिलेक्शन टूल हैं जैसे आगे क्लास में आपको बताते रहूँगा, बस आप क्या है हर चीज़ को लेकर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आपने एक क्लास कर लिया एक इमेज प्रैक्टिस कर ली होगी, ऐसा नहीं, आपको मल्टीपल अलग अलग तरह की इमेज लेकर आपसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी इसमें आप मास्टर बन सकते हैं। बस मैं माउस को बस खिसकाते जा रहा हूँ, अभी यहाँ देखिए सिलेक्शन थोड़ी सी हमारी क्या है गलत हो गया अंदर चली गई, तो हम क्या करते हैं इसको बैक स्पेस एक दो बार दबा लेते हैं, फिर आपके देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लेगा आपका। और जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया होगा
वहाँ पे ले जाके इसको छोड़ देना है। गलती हुई तो बस एक दो बार बैक स्पेस दबाया, आपकी सिलेक्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। वो अगर यहाँ पे हमने लिया था, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ बैक स्पेस दबा के, और वहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो ये देखिए आपकी सिलेक्शन बन गई। देख लीजिए सिलेक्शन आपकी बन के रेडी हो गई। लेकिन अब क्या है, हमारा हम जब सिलेक्शन करेंगे तो पीछे ये वाला एरिया भी हमारे साथ आएगा ब्लैक वाला, तो अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, माइनस करना है, तभी तो पूरा कप निकलेगा, नहीं तो पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ से थर्ड वाला लेना है, सबट्रैक्ट सिलेक्शन। देखना सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मतलब हमने सिलेक्शन किया उसमें उतना एरिया को काट के निकाल देगा। तो हम इसको जूम कर लेते हैं, या इसमें हमने क्या किया, सेम वही मैग्नेटिक लास्ट पर क्लिक किया, यहाँ सबट्रैक्ट सिलेक्शन पर क्लिक किया, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिसको हटाना है सिलेक्शन को माइनस करना है वहाँ पे एक बार आप क्या है क्लिक कर दें, और सिलेक्शन को उसी तरह माउस को बस खिसकाते रहें, एज में चिपका के आप खिसकाते रहें, बस ये आपकी जो सिलेक्शन को क्या करेगा, माइनस करेगा। बाकी कुछ गलती होता सिम उसी तरह आपको बैक स्पेस दबाना है, वो आप फिर पीछे आके आप दोबारा से सही कर लें, और जहाँ लगता है कि आपकी कुछ ज़्यादा एंगल घूम रही है तो एक बार क्लिक कर दें, वो एंगल भी सही हो जाएगी। अगर आपकी माउस पे कमान है तो आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब बस आप माउस को घुमाते रहें। यहाँ पर बस माउस को मैं क्या कर रहा हूँ, एज में चिपका घुमाते जा रहा हूँ, माउस क्या मैग्नेट की तरह ऑटोमेटिक क्या है चिपकते जा रही है, और जहाँ भी हल्का हिल रहा है मैं एक बार बैक स्पेस दो बार बैक स्पेस दबा के पीछे आ जा रहा हूँ, उससे आपका क्या सिलेक्शन काफ़ी अच्छा आएगा, पर क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, आपकी कोई इशू ही नहीं आएगा। और नीचे की इमेज को ऊपर नीचे खिसकाना है तो सिंपल कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करके रखा और इमेज को खिसका, आपका हैंड में कन्वर्ट होगा, फिर स्पेस बार को छोड़ दे, इजीली आप क्या इमेज को खिसका सकते, क्योंकि इमेज आपकी क्या काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, आप चाहेंगे एक जूम में तो आ नहीं सकता, बस वही करना है आपको, इमेज को जूम कर लें और स्पेस कीबोर्ड से स्पेस बार को दबा के इमेज को खिसकाएँ और फिर स्पेस बार को छोड़ दें। अब जैसे यहाँ देखिए सिलेक्शन गलती हो गई, तो हम क्या है एक दो बार बैक स्पेस दबा दिया हमने, और जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं थोड़ी इसको जूम आउट करता हूँ, अब देखिए क्या हो गया ये, अब मैंने मेन पहले क्या है, मैंने नॉर्मल लिया था न्यू सिलेक्शन, यहाँ इस पे लिया था न्यू सिलेक्शन और ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, और जो ये वाला ब्लैक एरिया आ गया इसको हटाना था, तो हमने यहाँ से क्या किया था थर्ड वाला सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से एरिया को हटाना था हमने ये ले लिया। अब देखिए हमने क्या है इसमें, तो जैसे आपको बताया कुछ ही प्रोडक्ट कटिंग करें उसमें थोड़ा फैदर ज़रूर डालें, हमने क्या किया यहाँ पर, या तो यहीं पर राइट क्लिक कर लें, यहाँ आपको फैदर दिख जाएगा और जितना ही फैदर डालना, मैंने डाल दिया 0.25 और ओके करा, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ कंट्रोल भी किया, और इसको छोटा कर ले किसी भी एंगल से आप, और जहाँ लगाना है इजीली आप लगा सकते हैं, जैसे कि हमने इजीली लगा लिया और आपका टाइम भी सेव हो गया। तो आपको जो भी लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल का यूज़ करके आप किसी प्रोडक्ट को इजीली आप कटिंग कर सकते हैं, और आपको लगता है काफ़ी टिपिकल है तो आप उसके लिए आप यहाँ पर आप और भी टूल जैसे दे रखे हैं पॉलीगॉन लासो टूल उसका यूज़ कर, अगर ज़्यादा आपके पास टाइम है तो, नहीं तो जल्दी बाजा मैग्नेटिक लासो टूल का यूज कर सकते हैं। और बाकी जो ये तीन चीज़ें आपको बताई थी मैंने, न्यू स्टार्टिंग करते हैं तो न्यू सिलेक्शन, और कुछ सिलेक्शन में ऐड करना है, कुछ सिलेक्शन छूट गया तो ऐड टू सिलेक्शन करना है, और कुछ माइनस करना है तो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना है। इस चीज़ का आप काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका इसके ऊपर कमांड आपका काफ़ी अच्छा होते चला जाएगा, और जिससे आपके क्या सिलेक्शन में आप काफ़ी परफेक्टनेस आते जाएगी। तो अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।